हेलो एंड वेलकम मैं यानी प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला प्यारे दोस्तों अब फिर से किरण की मैथ स्टार्ट करते हैं याद रहे आपको वीक में पाँच से छः दिन हम किरण की मैथ पढ़ाएंगे टाइमिंग ग्यारह बजे रहेगा और पहले से थमने लग जाएगा कि इस दिन ये क्लास होगी मोहब्बत से पढ़िए प्लेलिस्ट में डेढ़ सौ घंटे के आसपास के वीडियो पड़े हुए हैं आप उन टॉपिक को भी किरण के पढ़ सकते हैं सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि टेस्ट बुक प्रोवाइड करता है स्पीड टेस्ट याद रहे अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो स्पीड टेस्ट वीक में कम से कम दो बार लगाइए आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा जी हाँ सबसे कम दाम में स्पीड टेस्ट प्रोवाइड करता है टेक्स्ट बुक जब भी बाय करें पी ए टेन का कोड लगाएं इससे दस परसेंट आपको ऑफ मिल जाएगा बाकी सारी बातें अंत में बता दी जाएंगी चलिए तो पढ़ाई करते हैं मगर प्यार से हर चीज को सीखेंगे टॉपिक का नाम है पाइप एंड सिस्टर जिसे नल और टंकी कहते हैं टाइम एंड वर्क हमने किरण का पूर्णतः कंप्लीट करा दिया है प्लेलिस्ट में जाना देखना खुशी मिलेगी चलिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है कहता है एक टंकी को नली ए द्वारा दो घंटों में भरा जा सकता है मतलब ए कैन फिल इन आवर्स ए किसी टैंक को दो घंटों में भर सकता है कोई आपत्ति नहीं नली बी द्वारा घंटे में तो यहां पर भी भरा जा रहा है बी द्वारा कितने घंटे में घंटे में प्यारे दोस्तों फिर कहता है प्रातः दस बजे नली ए को खोल दिया जाता है मतलब टेन ए एम पर A को ओपन कर देते हैं भाषा तो लिखनी पड़ेगी फिर हमसे कहता है यदि नली बी को 11 बजे खोल देते हैं तो टंकी किस समय तक पूरी भर जाएगी देखिए पहला उद्देश्य होता है प्यारे दोस्तों इसका एलसीएम जो कि आएगा वैसे आप 12 24 जो तुम्हारी श्रद्धा वो ले लो पर ईमानदारी से एलसीएम तो 6 आएगा दो से भाग दोगे तो एक की कार क्षमता तीन छह से भाग दोगे बी की कार क्षमता एक इसे हम एफिशिएंसी बोलेंगे और इसे हम लड्डू की नज़र से देखेंगे यानी ये हमारा एक तरीके से टोटल वर्क है चीज़ों को समझना दस बजे पाइप ए खोला गया जब ए खोला गया मान लो छः लड्डू थे ए ने दस बजे खाना स्टार्ट किया तो ए ने एक घंटे में कितने लड्डू निपटा दिए तीन तो बचे लड्डू कितने तीन अब जहां ग्यारह बजा वहां ए और बी दोनों आ गए ए और बी दोनों आ गए तो चार से भाग दे दोगे यानी यह चीज तो एक घंटे में खेला हो गया और यह पैंतालीस मिनट में हो गया क्योंकि तीन बटा चार को हम पैंतालीस मिनट कहते हैं तो आंसर क्या आएगा ग्यारह बजकर पैंतालीस मिनट में सारा का सारा खेला हो गया एक बार और समझो पाइप ए को दस बजे स्टार्ट किया गया एक ही कार क्षमता तीन यूनिट काम करने की तो छह में से तीन काम हो गया तो बचा काम तीन अब कौन करेगा दोनों क्योंकि बीबी स्टार्ट हो गया तो तीन और एक होता है चार चार से भाग दोगे थ्री बाई फोर को हम लोग ये तीन बटा चार घंटा हो जाएगा जिसे समाज पैंतालीस मिनट के नाम से स्वीकार करेगा तो देखो दस था एक घंटा ग्यारह और पैंतालीस मिनट और जोड़ दो ग्यारह पैतालीस तो ग्यारह पैतालीस प्रातः लिखा है वही इसका आंसर होगा आशा है यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर दो करेंगे सिर्फ मुस्कान के साथ धैर्य संयम के साथ प्यारे दोस्तों याद रहे रात को नौ बजे तो क्लास होगी ही होगी वो तो पेड कोर्स लॉन्च किया है बच्चा उसको तो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे प्रकाश सर क्यों परेशान हो डेली होगी ठीक है यह बात याद रखना बता देंगे इस बैच को भी बता देंगे सब में बताएंगे बस अब अंत में पहले आप पढ़ाई दो नालिया पी और क्यू नलिया नालिया जो भी है पी एंड क्यू एक टैंकी को 20 मिनटों में भर सकते हैं मतलब पी एंड क्यू कैन फिल अ टैंक इन ट्वेंटी मिनट्स राइट तो पी और क्यू किसी टैंक को 20 मिनट में फिल करते हैं फिर हमसे कहता है उसी को पी अकेला 30 मिनट में तो पी एलॉन कैन डू द सेम वर्क इन 30 मिनट मासूम से दोस्तों पहला उद्देश्य 60 आएगा इसी टोटल वर्क बोलते हैं 20 से तो इसकी कैपेसिटी या एफिशिएंसी थ्री या कार्य क्षमता और ये दो मतलब पी की कार्य क्षमता दो और क्यू की क्षमता एक बोलो हां फिर कैसा है अनुसार क्यों अकेला उसी काम को कितने समय में फर्जी क्वेश्चन एक चीज समझ तो क्यों कहता है मैं तो एक एक दिन में लड्डू खाता साठ मतलब एक मिनट में एक तो साठ मिनट में साठ क्योंकि मिनट में आंसर है तो सिक्सटी मिनट इज द राइट आंसर ये किस्मत वालों के लिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर तीन पढ़ेंगे हम आपको यह भी बता देंगे कि कौन सा क्वेश्चन देखने के लिए बच्चा यूट्यूब में हमसे आता है यह भी बताएंगे चिंता मत कीजिए हर एक चीज को मोहब्बत से सिखाया जाएगा कहता है एक टंकी को दो नालिया या नलियां ना या पाइप जो भी बोलो ए तथा बी द्वारा क्रमशः 20 और 30 मिनट में भरा जा सकता है ठीक है A द्वारा ट्वेंटी एंड बी द्वारा थर्टी फिर हमसे कहता है खाली टंकी भरने के लिए पहले दोनों पाइप खोल दी जाते हैं फिर कुछ समय बाद ए को बंद किया जाता है इस प्रकार वह टंकी 18 मिनट में भर जाती है तादानुसार ए को कितने समय बाद बंद किया गया खेला कर दिस अब एक चीज समझना इसका उद्देश्य एलसीएम ले लो साठ यहां इसकी कार्य क्षमता तीन और यहां दो मैं आपसे कहता हूं कि हमने और आपने मिलकर किसी काम को 18 मिनट में किया किसने हमने और आपने तो कितने समय बाद हमने काम को छोड़ दिया यही तो बोला जा रहा है कितने समय बाद हमने काम को छोड़ दिया चीजों को समझो आपने नहीं इसका मतलब बी तो कार करेगा बी ने पूरा का पूरा 18 मिनट काम किया होगा यह बात समाज के सामने आ रही है क्योंकि ए ने तो बंद कर दिया था अब बी कहता है कि सर मैं तो दो लड्डू खाता हूं तो 18 मिनट में इसने 36 लड्डू खा लिए होंगे तो बचे कितने लड्डू 24 लड्डू बचे ये किसके लिए बचे ए ए के लिए ए कहता है मैं एक मिनट में तीन लड्डू खाता हूं तीन से भाग दे दो आठ मिनट तक ए ने काम किया होगा ए ने आठ मिनट तक काम किया होगा तो कहता है तदानुसार ए को कितने समय के बाद बंद कर दिया गया तो ये समाज कहेगा कि आठ मिनट के बाद बंद कर दिया गया फिर से समझ लो ए किसी कार को बीस मिनट में करता है बी तीस मिनट में करता है LCM 60 की कार क्षमता तीन बी की दो। दोनों मिलकर कार कर रहे थे और कुछ समय के बाद ए को बंद कर दिया गया और पूरा कार अठारह मिनट में हुआ अर्थात जो ये बी है इसने तो निरंतर कार्य किया है बी ने अठारह मिनट तक लगातार काम किया है एक मिनट में मान लो दो लड्डू खाता है तो 18 मिनट में छत्तीस बोलो हाँ साठ में छत्तीस गया तो चौबीस लड्डू बचा अब ये कौन खाएगा ये एक खाएगा एक कहता, मैं तो मैं चौबीस बटा तीन, तो तीन आठ मिनट मतलब पाइप ए आठ मिनट तक खुला रहा उसके पश्चात बंद हुआ यानी इसका सही आंसर यूनोगाइस एट मिनट ठोको लाइक बोलो हां अब वो तो नहीं समझ पा रहे तो कोनो बात ही नहीं चलिए क्वेश्चन नंबर चार पढ़ेगा इंडिया हमारे साथ जी हां दोस्तों क्वेश्चन नंबर चार पढ़ेगा इंडिया हमारे साथ हर चीज को वेल मैनर वेल प्रोसेस सिखाया जाता है बस पढ़ने वाला चाहिए चले कहता है हमसे क्वेश्चन नंबर चार में कि दो नल ए और बी एक हॉज को क्रमशः तीन घंटे और पांच घंटे भर सकते हैं बहुत अच्छी बात है उसे नल सी द्वारा दो घंटे में खाली कर सकता है तदनुसार अगर तीनों नल चालू रहे तो वह पूरा हॉज कितने घंटों में भरेगा मासूम से दोस्तों इसके शब्दों को समझो ए तीन घंटे में भरता है बी पांच घंटे में भरता है सी भरने वाला नहीं है खाली करने वाला है तो खाली में एक सिंबल लगा दो ऊपर ऐसा जिससे याद रहे इसका एल्शियम ले लो जो तुम्हारी श्रद्धा है पर इसका ईमानदारी से एल्शियम इनका गुणा ही हो जाएगा थर्टी ए की क्षमता दस हो गई बी की क्षमता छ हो गई सी की क्षमता माइनस का पंद्रह क्योंकि ये बनाने वाला नहीं बिगाड़ने वाला भाई दो पाइप टंकी को भर रहे हैं तो एक खाली भी तो कर रहा है हमसे कहता है अगर तीनों नल एक साथ चालू कर दे फर्जी क्वेश्चन है नॉट ए डील सोलह लड्डू बने पंद्रह टूटे मतलब एक, एक ही कार हो रहा है टंकी में सोलह लीटर पानी आया पंद्रह खाली हो गया तो बचा एक समझ गए तो थर्टी इज द राइट आंसर यानी फर्जी क्वेश्चन आएंगे अच्छे क्वेश्चन आएंगे अब ये एस एस का क्वेश्चन जरा इसको भी देखेंगे प्यारे दोस्तों मोहब्बत से सीखेगा इंडिया प्रकाश सर कानपुर वाले के साथ कोशिश रहेगी धीरे धीरे करके हम बहुत कोशिश करने वाले हैं कि रात को नौ बजे एक क्लास का टाइम फिक्स करेंगे और सुबह ग्यारह बजे का एक फिक्स करेंगे फिलहाल नौ, नौ बजे वाला तो फिक्स ही है उसे नहीं सुबह वाले के लिए थोड़ा सा समझ लो पारिवारिक हो पर फिर भी कोशिश रहेगी तीन नल ए बी सी एक ओवर हेड टैंक को चार छह बारह घंटे में भर सकते हैं जी हाँ दोस्तों ए कैन फिल टैंक इन आवर्स बी कैन फिल द सेम टैंक इन सिक्स राइट फिर कहता है तीनों एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक भरने में कितना फर्जी क्वेश्चन है ये ट्वेल्व होगा चार से भाग इसकी कार क्षमता तीन छह से दो बारह से एक अब कह रहा है तीनों मिलकर काम को करते कोई खाली करने वाला तो नहीं है तो छह से भाग दे दो दो तो बच्चा ये थे आसान क्वेश्चन जो कि आप सीख लिए बोलो हां चलिए अब धीरे धीरे बढ़ेंगे और चीजों को सीखेंगे क्वेश्चन नंबर छह सीखेगा इंडिया हमारे साथ और सेशन को शेयर यार कर देना सपोर्ट प्यार में प्यारे दोस्तों ठीक है अगर कर सकते हो तो जितना ज्यादा लोग लाइव आएंगे उतना जल्दी ये किताब होगी धीरे धीरे ठीक है कहता है दो पाइप का और खा किसी टंकी को 36 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं मतलब पाइप ए मान लो किसी टंकी को 36 मिनट में और बी 45 मिनट में भर सकते हैं कहता है एक अन्य पाइप गा टंकी को 30 मिनट में खाली करता है कौन गा यानी सी मान लो ये कितने मिनट में तीस मिनट में खाली करता है अब भाषा को समझना सारा खेल भाषा है पहला उद्देश्य इसका एल्शियम छत्तीस पैंतालीस तीस का एल्शियम कुछ भी यानी एक सौ अस्सी ले लिया मैंने छत्तीस पंजा एक सौ अस्सी होता है पैंतालीस चौका एक सौ अस्सी होता है तीस से ये छह बार मतलब ए की कार्य क्षमता पांच लड्डू बनाने की बी की चार और सी की छह लड्डू तोड़ने की क्योंकि सी खाली करने वाला है भाषा को समझो कहता है पहले का और खा को खोला जाता है उसके सात मिनट बाद गा को खोला जाता है अब यहां पर चीजों को समझना है क्योंकि खतरा तो बना ही होता है जी हां दोस्तों चीजों को समझना है टंकी कितने में भरेगी ठीक है देखो का और ए और बी को ए और बी सात मिनट के लिए खुले रहे एक मिनट में ये नौ लड्डू बनाते हैं तो सात मिनट में इन्होंने जो लड्डू बनाए होंगे तिरसठ बोलो हां भाई सात मिनट तक ये ए और बी खुले रहे उसके बाद सी भी खुला तो पांच चार नौ एक मिनट में नौ तो सात मिनट में नौ सत्ते तिरसठ सत्त बचे कितने तो ये समाज कहता है एक सौ सत्रह लड्डू बचे बट अब सी भी खोल दिया जाएगा जब सी खोला गया तो नौ लीटर पानी भरा छह लीटर निकला तो तीन लीटर काम हुआ तो तीन से भाग देगा ये समाज थर्टी नाइन आएगा तो थर्टी नाइन ये और ये सात मिनट इधर वाले सात और थर्टी नाइन फोर्टी सिक्स मिनट में यह टंकी पूर्णतः भर जाएगी फोर्टी सिक्स मिनट में यह टंकी पूर्णतः भर जाएगी प्यारे दोस्तों पहला अच्छा क्वेश्चन जिसे फ्यूचर में ये वीडियो जब देखेंगे तो सात नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन ढूंढते हुए बच्चा मेरे यूट्यूब चैनल में आएगा मैं बता दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन है जो अच्छे हैं पहला क्वेश्चन सात नंबर क्वेश्चन जिसको ढूंढते हुए यूट्यूब में बच्चा आएगा और पूछेगा सर वाई दिस कोलावरी डी, इसका आंसर क्या आएगा? प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन को बड़े प्यार से समझना ये एक अच्छा क्वेश्चन है हर एग्जाम में पाया जाता है इसको अपने नोट्स में शामिल करना मेरा तो यही मानना है एक टंकी में दो पाइप है ए और बी A, 20 मिनट में भर सकते हैं ए कैन फिल अ टैंक इन 20 मिनट एंड बी कैन इम्पटी द सेम टैंक इन 30 मिनट यही होगा कि बीस इसे 30 मिनट में खाली कर सकता है ए और बी एकांतर एक रूप से एक एक मिनट के लिए खोले जाते हैं तो टंकी कितनी देर में भरेगी इसमें ये एक अल्टरनेट प्रोसेस है अल्टरनेट में क्या जैसे हम मैंने चार लड्डू बनाए मैं आपसे पूछ रहा हूं मैंने चार लड्डू बनाए पहले समझना मैंने चार लड्डू बनाए आपने दो लड्डू तोड़ दिए तो बने कितने दो लड्डू पर एक चीज समझो इसमें बच्चा फंसता कैसे वो अभी समझ जाओगे जैसे एबीसी प्रकाश सर ने चार लड्डू बनाए आपने तोड़े फिर प्रकाश सर ने चार लड्डू बनाए तो देखा जाए तीन मिनट में आठ लड्डू दो तोड़े तो छह लड्डू बन गए छह लड्डू बन गए और वैसे देखो एक सेकेंड एक सेकंड यहां कॉमन सेंस समझना अभी यहीं पर खेला है जीवन का इसलिए यह क्वेश्चन अच्छा है भाई पहले मिनट में प्रकाशन ने चार लड्डू बनाए वो भूल जाओ क्वेश्चन यहां सुनो दूसरे मिनट में आपने दो लड्डू तोड़ दिए तीसरे मिनट में प्रकाशन ने फिर चार लड्डू बनाए चलो ए अपने नाम को तो देखो एक तरीके से तीन मिनट में तो छह लड्डू बने चौथा मिनट अगर ले लिया तो फिर आपने दो लड्डू तोड़ दिए तो देखो चार मिनट में कितने लड्डू बने चार ही बने अब कह दो सर दिस कोलावरी तभी तो क्वेश्चन अच्छा है यही तो कॉमन सेंस है कि तीन मिनट में छह लड्डू बनना है पर चार मिनट में चार क्योंकि उसके बाद लड्डू बन नहीं रहा है टूट रहा है तो इसीलिए ये क्वेश्चन अच्छा है जो बच्चा सोचता है कि ये आंसर आएगा पर वो आंसर नहीं आता क्योंकि यही मैटर आता है समझना मगर प्यार से पहला उद्देश्य इसका एलसीएम होगा ऐसा समाज कहता है साठ इसकी कार्य क्षमता तीन होगी इसकी कार्य क्षमता दो होगी स्टार्टिंग किसने किया यदि ए और बी एकांतर तो स्टार्टिंग ए से किया हुआ है यह बहुत ध्यान देने वाली बात होती है समझो देखा जाए पहले ए ने तीन लड्डू बनाया फिर बी ने दो लड्डू बनाया तो कहते हैं दो मिनट में एक का यूनिट काम हुआ कितना काम हुआ एक यूनिट काम हुआ दो मिनट में एक यूनिट काम हुआ एक चीज समझना जब शॉर्टकट लगाएंगे तो ध्यान रखना तीन और दो का अंतर एक तीन और दो का अंतर एक जब अंतर एक हो तब आपका शॉर्टकट बढ़िया वाला लगेगा कि इनमें से जो बड़ा है वो यहां घटा दो तो 57 आया दोनों साइड 57 का गुणा कर दो तो ये समाज हमसे कहेगा कि सर 114 मिनट में आपने जो लड्डू बना दिए वो सत्तावन यूनिट काम कर लिया अब बारी किसकी आई ए की अब बारी किसकी आई ए की ए आया एक मिनट में कितने लड्डू बनाया तीन ठो तो यहां तो साठ लड्डू बन गए और समय कितना लगा एक सौ पंद्रह मिनट इसलिए ये एक क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन होता है बात कुछ समझो मैं आपको कॉन्सेप्ट आप बता दिया बढ़िया से इसका आंसर दिया जाएगा ठोको लाइक बोलो हां और शेयर सपोर्ट तो बनता ही है जी हाँ डेढ़ सौ घंटे किरण पढ़ा चुके हैं टॉपिक मैं बता देता हूं एलसीएम एस नंबर सिस्टम टाइम एंड वर्क प्रॉफिट एंड लॉस सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट एल जबरा ट्रिग्नोमेट्री एल जबरा में ही कोऑर्डिनेट जोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री में ही हाइट एंड डिस्टेंस सीक्वेंस ऑफ सीरीज और अब पाइप इतने चैप्टर काउंट है तेईस के आसपास चैप्टर है धीरे धीरे पढ़ाएंगे डी को छोड़कर क्योंकि उसके लिए डिजिटल बोर्ड आ जाएगा तो पढ़ा देंगे समझो बढ़िया समझो एक किसी कार को बीस बी तीस साठ तीन ए की क्षमता तीन लड्डू बनाने की बी की दो तो देखा जाए पहले ए ने एक मिनट में तीन लड्डू बनाया दूसरे मिनट में इसमें दो तोड़ दिया तो मिनट में काम क्या हुआ एक. अब शॉर्टकट समझो जब इनका अंतर एक हो जब इनका अंतर एक हो तो ये घटा दो फिफ्टी सेवन दोनों साइड फिफ्टी सेवन का गुणा कर दो जो बड़ा हो उससे घटाना एक सौ चौदह मिनट में सत्तावन यूनिट भाई दो मिनट में एक तो एक सौ चौदह मिनट में सत्तावन अब बारी किसकी आएगी ए की और एक आया तीन लड्डू बनाया हो गया इसमें यहां तक जा रहा है एक तरीके से यहां तक जा रहा है आगे नहीं जा रहा ठीक है।, है तो राइट आंसर 115 मिनट में 60 लड्डू बन जाएंगे यानी राइट आंसर बोलो बोलो क्वेश्चन नंबर सात को देखने बच्चा आएगा और क्वेश्चन नंबर आठ का सोल्यूशन जानने आएगा कि ये प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला जो टीचर ये पढ़ाता कैसे है क्वेश्चन नंबर आठ को ये बच्चा देखने जरूर आएगा और जो बच्चा क्वेश्चन नंबर आठ देखने मेरे चैनल को आए तो बच्चा कुछ नहीं करना है ठीक है कमेंट में बच्चों को बताना है कि सर हम क्वेश्चन नंबर आठ देखने आए थे कि आप कैसे पढ़ाते हो ठीक है चलिए प्यारे दोस्तों जिन लोगों ने हमसे टाइम एंड वर्क पढ़ा होगा हमने एक कॉन्सेप्ट कई बार बताया है पूरे टाइम एंड वर्क में और आज रात में भी टाइम एंड वर्क स्टार्ट करेंगे एक अच्छे लेवल से हमने सोच लिया है समझो हमने टाइम एंड वर्क में पढ़ाया होता है कि ए और बी किसी कार को अगर एक्स डेज में करता है इसको याद कर लेना और नोट्स में शामिल करना ए और बी किसी कार को एक्स डेज में काम करता है कोई कह दे कि भैया ए अकेला कितने दिन में करेगा तो एक्स दिन तो लेगा ही लेगा ए एक्स्ट्रा डेज लेगा और बी कितने दिन तो बी X दिन तो लेगा ही लेगा बी एक्स्ट्रा डेज लेगा जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो एक फंडा आता है कि एक्स बराबर अंडर रूट ए बी इसे याद किया जाता है ठीक है याद रहे ये कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए टाइम एंड वर्क में हमने कई बार सिखाया है वहां पर भी डिफिकल्ट क्वेश्चन बच्चे देखने आते हैं तो उसमें भी हमने पूरा बताया हुआ है तो ए और बी किसी कार को अगर एक्स दिन में करते हैं कहता है ए अकेला तो एक्स के साथ कुछ दिन एक्स्ट्रा लेगा बी अकेला एक्स के साथ कुछ दिन एक्स्ट्रा लेगा तो जो ये एक्स की वैल्यू आती है वो डायरेक्ट रट के बैठो अंडर रूट ए बी आती है अब इस क्वेश्चन को खेलेंगे यानी प्रकाश मेथड को जानेंगे अभी भी धैर्य रखना एक तरण ताल तीन पाइपों से भरा जाता है लगातार कार करने पर करने वाले दो पाइप ताल को उतने ही समय में भरते हैं जितने समय में तीसरा पाइप अकेला भरता है तीन पाइप है ए बी सी भाषा सारा खेल है दो पाइप ए बी दो पाइप ए बी जितने समय में भरते हैं उतने ही समय में सी भरता है तो माना सी एक्स टाइम लेता है तो यहां पर चीज समझ जाओगे सी हमने एक्स ले लिया अभी भाषा मैटर है अब एक एक शब्द को डिकोड करते हैं जितने समय में तीसरा पाइप अकेला बढ़ता है दूसरा पाइप अकेले पहले नहीं यहां पढ़ो दूस चौथी लाइन में दूसरा पाइप अकेले पहले पाइप से पांच घंटे तेजी से और तीसरे पाइप से चार घंटे धीमे यानी दूसरा पाइप तीसरे पाइप से चार घंटे धीमे मतलब ये चार घंटे ज्यादा लेगा और पहले पाइप से पांच घंटे तेजी से तो पहला पाइप पांच घंटा स्लो होगा x प्लस नो ये चीज निकल के आई लाइन को समझो मैं डिकोड करवा देता हूं यहां लिखा है दूसरा पाइप दूसरा पाइप अकेले मैं ज्यादा नहीं लिखूंगा पहले पाइप से पांच घंटे ठीक है तेजी से तो डिकोड आपको करना पड़ेगा समझो दूसरा पाइप पहले पाइप से पांच घंटे तेजी यानी ये पांच घंटे स्लो होगा और तीसरे पाइप से पांच घंटे चार घंटे धीमे तो यानी ये एक्स प्लस फोर होगा तो इसको भाषा को इसलिए लिखा कि आपको क्वेश्चन में दिख जाए बहुत जल्दी जब डिजिटल बोर्ड लेंगे तब आपको और अच्छा लगेगा अब खेला हो गया कुछ नहीं करना कुछ नहीं करना एक मिनट कोशिश डॉ कोशिश डॉ कुछ नहीं करना a plus b x बाकी यही खेला <laughs> ये x क्या होगा under root 9 गुना 4 तो x बराबर 6 यहां 6 रख दो 9 6 15 यहां 6 रख दो 10 और ये 6 फिर हमसे कहता है कि बी और सी कितने घंटे में भरेंगे बी दूसरा और तीसरा पाइप कितने घंटे में मासूम से दोस्तों बस इसका एल्शियम लो तीस होता है यहां तीन आएगा यहां पांच टोटल आठ का भाग दे दो पंद्रह बटा चार जिसे समाज थ्री पॉइंट सेवन फाइव घंटे के नाम से जानेगा घंटे के नाम से हो गया ये इसलिए क्वेश्चन अच्छा है कोई मेहनत नहीं कराई सिर्फ भाषा और आराम से बताया याद रहे अच्छे क्वेश्चन तभी आएंगे जब आप चीजों को सीखोगे ठीक है बिल्कुल मेरे भाई सब पढ़ाया जाएगा धैर्यपूर्वक इंसान है और ये सब आप ही के लिए पढ़ाया जा रहा है जो भी बच्चा किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है दिन रात उन्हीं के लिए मैथ वही होती है सीखना पड़ता है तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा नोट्स में शामिल कर लेना कि जब भी ए और बी किसी काम को एक्स दिन में ए तो ये दिन दिन एक्स्ट्रा बी एक्स तो डायरेक्ट होता है ये स्पेशल क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर आठ जिसका सोल्यूशन मार्केट में बच्चा ढूंढ रहा है क्या सी एक्स डेज बी चार घंटे स्लोवर है तीसरे पाइप से तो एक्स प्लस फोर और पांच घंटे फास्टर है किससे ए से तो बस खेल गए इसके बाद नौ चार का स्क्वायर रूट छ और नौ पंद्रह चार दस ये 6 एलसीएम थर्टी यूनोगाइस थ्री पॉइंट सेवन फाइव आवर्स इससे आसान होता ही नहीं बस ये समझ लो आठवें के बाद नौवा नंबर क्वेश्चन सीखेंगे टीएर टू का है पर ये टफ नहीं है वो ये टफ था ठीक है क्वेश्चन नंबर आठ बहुत प्यार से पढ़ेगा इंडिया प्रकाश सर कानपुर वाले के साथ जी हां चलिए कहता है एक टैंक में दो पाइप लगे हमें कोई आपत्ति नहीं पहला पाइप उसे चार घंटे में भर सकता है और दूसरा सोलह घंटे में मतलब ए कैन फिल अ टैंक इन फोर आवर्स एंड बी कैन इम्पटी द नहीं बी कैन फिल द सेम टैंक इन सिक्सटीन आवर भर रहा है खाली नहीं अच्छा खाली कर रहा है कैन इम्प्ट द सेम टैंक इन सिक्सटीन आवर यदि दोनों पाइप एक ही साथ खोल दिए जाए तो टैंक कितने समय में अब ये किस्मत वाले हैं जिनके मेंस में ऐसे क्वेश्चन आए होंगे भाई इसका एल्शियम ले लो यहां चार है यहां माइनस वन बस चार में से एक लड्डू गया सोलह बटा तीन ऑप्शन देखो पांच सही एक बटा तीन तो ये किस्मत वाले होते भैया आते हैं सारे टफ नहीं आते ये बात हमेशा याद रखना अब देखो ये मेन्स में आया और ये प्री में आया 2014 पर जिस टाइम ये प्री में आया था उस टाइम कट ऑफ नब्बे और सौ जाता था अब एक सौ चालीस एक सौ पचास एक सौ अस्सी एक सौ साठ ऐसे भी जाने लगा है ठीक है तो समय के अनुसार क्वेश्चन होते हैं नौ के बाद 10वां नंबर प्यारे दोस्तों दसवा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करो मगर प्यार से कहता है एक नल तीस मिनट में एक टैंकी को खाली कर सकता है यानी एक कैन एमपटी अ टैंक इन थर्टी मिनट यही तो बोल रहा है और दूसरा नल उसे 45 मिनट में खाली कर सकता है बी कैन एमपट्टी द सेम टैंक इन फोर्टी फाइव मिनट यदि दोनों नल साथ खोल दिए जाए तो टैंक खाली करने में फर्जी क्वेश्चन तीस पैंतालीस कैल्शियम नब्बे यहां माइनस तीन माइनस दो समाज इसे माइनस पांच के नाम से जानेगा एक दिन माइनस का अठारह मतलब अठारह मिनट में इस टंकी को खाली कर दिया जाएगा अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं देखिए यह क्वेश्चन जो इलेवन नंबर है यह आपके कॉमन सेंस पे डिपेंड है अभी अच्छे क्वेश्चन आएंगे आप चिंता मत करना धैर्य रखना ठीक है भाई किताब अगर कभी लगाओगे तो आपको समय लगता है समय देना पड़ेगा सीखना पड़ता है कोई फर्जी वाला किताब में नहीं होता और किताब ही सिखाती है क्योंकि शांति में बैठकर किताब से पढ़ सकते हैं एक टंकी का चार बटा पांच भाग तेल से भरा हुआ है बयालीस लीटर तेल निकाल लेने के बाद उसी टंकी का तीन बटा चार भाग भरा रहता है टंकी की क्षमता एक चीज समझो चार बटा पांच भाग को यह समाज अस्सी परसेंट के नाम से जानता है ठीक है चार बटा पांच गुड़े सौ का लेना अस्सी होता है बयालीस लीटर तेल निकल गया फोर्टी टू लीटर तीन बटा चार को यह समाज सेवेंटी फाइव परसेंट के नाम से जानता है मासूम से दोस्तों अस्सी और पचहत्तर का अंतर बच्चा बच्चा जानता है कि पांच परसेंट होता है कितना पांच और यही बराबर बयालीस के अगर टैंक की बात करें तो टैंक हमेशा हंड्रेड परसेंट रहेगा तो ट्वेंटी का इथे क्योंकि ये सौ हो गया तो ट्वेंटी का उथे समाज इसे आठ सौ चालीस के नाम से स्वीकार करेगा द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एट फोर्टी आएगा आज रात नौ बजे जुड़िएगा बढ़िया सिखाएंगे आपको टाइम एंड वर्क वो भी बायलिंगुअल बायलिंगुअल इंग्लिश और हिंदी में रात को नौ बजे मजा आ जाएगा ग्यारह के बाद बारह नंबर सीखेगा इंडिया हमारे साथ अब यह क्वेश्चन प्यारे दोस्तों बारह नंबर क्वेश्चन का जो आंसर किताब में दिया गया है वो गलत है जो हम बताएंगे वही सही है और जिसको विश्वास ना आए तो बाबा है गूगल सर्च करना तो जो हम बताएंगे वही आंसर सही है ये माइंड में सेट कर लेना तो बुक में इसका सोल्यूशन गलत दिया है ठीक है क्वेश्चन नंबर कौन सा बारह ठीक है मैंने लिख दिया है बाकी भूल चुक लेनी देनी रहेगी ठीक है तो बच्चे इस क्वेश्चन को भी देखने आएंगे क्योंकि अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा फिर चलिए पढ़ते हैं क्योंकि सोल्यूशन गलत है किताब में सीएचएसएल का है कहता है पाइप एक्स एक टंकी को 20 घंटे में भर सकता है तो एक्स कैन फिल आ टैंक इन 20 मिनट वाई उसी टैंक को 35 फाइव मिनट में भर सकता है वाई कैन फिल द सेम टैंक इन 35 फाइव मिनट दोनों पाइपों को बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोला जाता है यदि पाइप वाई को पहले खोला जाए कंडीशन टर्म्स एंड कंडीशन जो स्टार्ट होगा पाइप खेला, वो पाइप वाई से स्टार्ट होगा राइट यदि पाइप वाई को पहले खोला जाता है तो टंकी कितने समय में भरेगी प्यारे दोस्तों बहुत अच्छे से सीखेंगे अल्टरनेट का क्वेश्चन है सबसे बड़ी बात ये भी याद रखेंगे अल्टरनेट क्वेश्चन है पहला उद्देश्य होता है इसका एलसीएम ले लो सत्तर दूना एक सौ चालीस ले लो एक सौ चालीस ले लो इससे एक की कार क्षमता सात वाई की कार क्षमता मतलब एक्स की सेवन आएगी और वाई की फोर आएगी एक चीज समझो स्टार्ट विथ वाई है पहले मिनट में घंटा है कि मिनट है घंटा घंटा चल रहा है कि मिनट घंटा चल रहा है पहले घंटे में वाई ने चार लड्डू खाया होगा दूसरे घंटे में एक्स ने सात मतलब घंटे में लड्डू मतलब ग्यारह यूनिट काम हो गया काम करना है एक सौ चालीस तो इसके नियरेस्ट में जाओ तो कहीं ना कहीं हम बारह का गुणा करेंगे सर बारह क्यों क्योंकि ग्यारह गुणे बारह एक सौ बत्तीस होता है तो ये एक सौ चालीस काम कम हो पर ज्यादा ना हो तो 11 गुड़े बारह एक होता है तो 12 का इधर तो ये समाज कहेगा कि सर 24 घंटे में आपने जो काम निपटा लिया 132 यूनिट निपटा लिया अभी धैर्य रखना ये तो 24 घंटे में हो गया अब बारी किसकी आई y की y की बारी आई y कहता है कि सर मैं तो एक घंटे में चार ही लड्डू खा पाऊंगा तो एक घंटे में क्योंकि स्टार्ट वाई से था चौबीस हमारा इवेंट है अब इसके बाद आएगा, फिर यह इवेंट होगा तो चौबीस घंटे सॉरी एक घंटे में वाई ने चार लड्डू निपटा दिए तो अब तो एक सौ छत्तीस हो गए अब बचे लड्डू चार क्योंकि इसका योग तो एक सौ छत्तीस बचे लड्डू चार एक्स कहता है कि मैं तो एक घंटे में सात खाता हूं दिख रहा है ना एक घंटे में सात तो एक लड्डू एक बटा सात घंटा और हमको एक्स को खिलाने है चार तो चार बटा सात यानी चार बटा सात घंटे में चार लड्डू कौन खाएगा एक्स बस समय की बात कर दे इसी को जोड़ दो पच्चीस सही चार बटा सात पच्चीस सत्ते एक सौ पचहत्तर चार वन सेवेंटी नाइन अपॉन सेवन आर्स ये आंसर आएगा और यही आंसर क्या है सही है मासूम से दोस्तों किताब का सोल्यूशन पूर्त है गलत है ऐसा एक दिन यह समाज कहेगा सही आंसर आपको बता दिया गया ठीक है प्यारे दोस्तों पहले पढ़ाई पर फोकस करो कुछ कहते हैं ग्रुप डी पे ध्यान दो कुछ अरे भैया देवता सब क्वेश्चन यही आते हैं पढ़ने वाला चाहिए ठीक है जो पढ़ाए पहले उस पर ध्यान दो बाकी फर्जी बातें बाद में तो आशा है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा

समझ गए चौबीस एक पच्चीस ये चार बढ़ा सात पच्चीस सत्तर एक सौ पचहत्तर चार वन सेवेंटी नाइन बाई सेवन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन याद रहे जो बताया है यही सोल्यूशन सही है गूगल बाबा में सर्च करना समझ जाओगे भाई जब किताब में गलत था मैं भी बता रहा हूं जब मैंने इसको सॉल्व किया मेरा आंसर किताब से मैच नहीं किया तो फिर मैं कहा गया बाबा गूगल फिर मालूम चला वैसे भी सन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तुरंत मिल जाता है समझ गए चलिए बारह के बाद तेरह मैं सही बताता हूं फैक्ट के साथ पढ़ते रहिए मुस्कुराते रहिए और चीजों को सीखते रहिए सभी लोग मैंने एक नया नियम चालू कर दिया है मैं अब फालतू मैसेज पढ़ता ही नहीं हूं देखता हूं बस सारा फोकस पहले पढ़ाने में और सारी बातें अंत में चालिए बहुत अच्छे सीखो मोहब्बत से क्वेश्चन नंबर तेरा क्या कहता है पाइप ए और बी एक खाली टैंक को क्रमशः छह और आठ घंटे में भर सकता है यानी एक फिल अ टैंक इन सिक्स आवर्स और बी कैन फिल द सेम टैंक इन एट आवर्स टाइम एंड वर्क पढ़ा दिया है जो मासूम से बच्चे कभी नहीं पढ़े हैं उसको पढ़ना थोड़ा अगर आपको स्पीड लग रहा है तो वो टॉपिक पढ़ा रखा है उसको पढ़ेंगे तब आपको खुशी मिलेगी धैर्य रखो चीज़ों को सीखो देखो ए छह घंटे में भरता है बी आठ घंटे में जबकि पाइप सी भरे टैंक को दस मिनट में खाली कर देता है तो यहां पर यह शब्द गलत होगा दस मिनट की जगह दस घंटा होगा ठीक है पाइप सी अब ये बताओ ईमानदारी से बताओ आप कोई काम छह घंटे में करते हो हम आठ घंटे में और एक बच्चा आता है और छह मिनट दस मिनट में बर्बाद कर गया और कह रहे हो टंकी भर जाएगी टंकी फिर कभी भरेगी नहीं यह बात याद रखना भाई आप छह घंटे में हम आठ घंटे में और बच्चा दस मिनट में बर्बाद कर दे रहा है तो कभी काम होगा होएगा ही नहीं दस मिनट में मतलब काम ही नहीं हो पा रहा है समझ लो क्योंकि बर्बाद करने वाली क्षमता ज्यादा है तो किताब में ये मिसप्रिंट है दस मिनट में खाली करता है नहीं दस घंटे में तो सी कैन इम द सेम टैंक इन टेन आवर्स फर्स्ट ऑफ ऑल एलसीएम ऑफ दिस तो छह आठ दस का आपको एलसीय लेना होगा जो कि बच्चा बच्चा जानता है वन ट्वेंटी होता है बोलो हां ठीक है अभी हाल ही में, में से पढ़ाया भी है छह से भाग दो इसकी कार्य क्षमता बीस आठ से पंद्रह दस से माइनस का बारह अब भाषा पढ़ते हैं कहता है यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए टैंक आ हो गया इजी है बीस पंद्रह काम हुआ बारह बिगड़ा तो काम हुआ कितना तेईस ट्वेंटी थ्री यूनिट भाई पैंतीस लड्डू बने बारह टूटे तो तेईस काम हुआ 120 बटा 23 यही आंसर होगा अब अगर यह आंसर मैच ना करे तो पांच से ही पांच बटा तेईस कर लेना क्योंकि तो तेईस पंजा एक और पांच बीस ये आंसर फिर हो जाएगा आशा है समझ गए होंगे 114 नंबर क्वेश्चन सीखेगा इंडिया प्रकाश सर कानपुर वाले के साथ बढ़िया से पढ़ो मोहब्बत के साथ पढ़ो सब कुछ पढ़ाया जाएगा ठीक है जो पढ़ा रहे पहले उसको पढ़ो बाकी धीरे धीरे हर चीज को सिखाया जाएगा जी हां इंडिया कहता तीन पाइप हैं कौन कौन ए बी सी एक खाली जलाशय को क्रमशः दो तीन छह घंटे में भर सकते हैं मतलब ए कैन फिल आ टैंक इन टू आवर्स बी कैन फिल आ टैंक इन थ्री आवर्स और सी कैन फिल द टैंक इन सिक्स आवर्स तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए भाई ठीक है तो इनका एल्सियम ले लो यही छह इसकी कार क्षमता तीन इसकी दो और इसकी एक हो जाएगी खोल दिया जाए कितने समय के बाद पाइप बी को बंद किया जाए ताकि जलाशय ठीक एक घंटा पंद्रह मिनट में भर जाए अब एक चीज समझो कितने समय बाद किसको बंद कर रहे हैं बी को बंद कर रहे हैं बी को बंद कर रहे हैं और काम हो रहा है एक घंटा पंद्रह मिनट में तो बात को समझो एक घंटा पंद्रह मिनट को समाज पांच बटा चार के नाम से जानता है पांच बटा चार घंटे में तो आप बोलो हा तो आपने देखा कि ये छह यूनिट काम कराना है देखा जाए ए और सी ने तो पांच बटा चार घंटा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक काम किया होगा भाई सीधी सी बात है भाई बन तो बी को किया गया है ए और सी को तो नहीं किया गया ए और सी कहते हैं सर मैं तो एक घंटे में चार लड्डू खाता हूं मैं एक घंटे में चार लड्डू खाता हूं कितने लड्डू चार तो पांच बटा चार घंटे में तो हम पांच लड्डू खाएंगे मतलब ए और सी ने तो पांच लड्डू खाया है पांच बटा चार घंटे में तो एक लड्डू खाया किसने अब ये एक लड्डू खाया किसने बी ने बी कहता है मैं तो एक घंटे में दो खाता हूं बी कहता मैं तो एक घंटे में दो पर मिला तो एक ही है तो एक बटा दो यानी तीस मिनट बी ने समय लिया तो कहेंगे तीस मिनट के बाद पाइप बी को बंद कर दिया गया इसका सही आंसर थर्टी मिनट आएगा तो कॉन्सेप्ट इज द पावर सभी लोग याद रखिए चीजों को सीखिए कुछ बच्चे एनटीपीसी वाले मैसेज कर रहे हैं बच्चा दिन रात पढ़ा रहे हैं धैर्य रखो इंसान है सुबह नौ रात को अब क्लासेस चालू कर रहे हैं धीरे धीरे समय दो सब हम ही को करना होता है कोई पड़ोसी नहीं करने आता ठीक है कि हमारे पास कोई टीम है कि क्वेश्चन बना के दे दिया ये लो सर आप पढ़ा दो धैर्य रखो मेरे देवता ठीक है एक किसी काम को दो घंटे में बी तीन घंटे में सी छे उद्देश्य एलसीएम छे होगा तीन दो एक ऐसे कहा गया कि पूरा काम एक घंटे पंद्रह मिनट में होता है जिसे पांच बटा चार घंटा कहेंगे तो बी को बंद किया तो ए और सी ने किया ए और सी एक घंटे में चार लड्डू बनाते हैं तो पांच बटा चार घंटे में पांच लड्डू ए ने तो बचा एक लड्डू अब कौन बी किया बी तो बस दो से भाग तो एक बटा दो को हम तीस मिनट कहते हैं चलिए आशा है समझ गए हो। चौदह के बाद पंद्रह नंबर क्वेश्चन सीखो मगर प्यार से हर चीज सिखाएंगे धैर्य रखो बस ठीक है पेपर से पहले सबका साथ सबका विकास ठीक समय लगता है पढ़ाने दिया करो फिर बाद में बच्चा कहता है बतियाते वह तो नल पी एवं क्यू एक टंकी को क्रमशः 18 और 27 मिनट में भर सकते हैं मतलब पी कैन फिल आ टैंक इन कितना 18 मिनट कैन फिल द सेम टैंक इन सत्रह मिनट बोलो हां जबकि नल आर भरी टंकी को चौवन मिनट में खाली कर सकता है आर कैन इम सेम टैंक इन चौवन फर्स्ट ऑफ ऑल एल्शियम जो कि फिफ्टी फोर आएगा अठारह से पी की कार्य क्षमता तीन क्यू की दो और सी की माइनस का वन बोलो हां भाषा समझना के तहत पी एवं क्यू को एक साथ छह मिनट के लिए खोला जा गया P एवं Q को एक साथ कितने मिनट के लिए छह मिनट के लिए खोला गया तो बच्चा एक मिनट में ये कितने लड्डू बनाएंगे पांच तो छह मिनट में तीस लड्डू बनाएंगे कितने मिनट मिनट में? मिनट में तीस लड्डू बनाएंगे सीधी सी बात है फिर कहता है इसके बाद बंद कर दिया गया चलो कोई बात नहीं फिर आर को खोला गया तो आर को खोला गया अब ये काम नहीं करेगा अब सिर्फ आरए को खोला गया तो आर तो एक लड्डू तोड़ता है तो आर द्वारा टैंक कितने समय में खाली किया गया तो सीधी सी बात टैंक में थर्टी लड्डू बन गए थे तो आर इसी लड्डू को तोड़ सकता है भाई सीधी सी बात जो उसमें पानी होगा वही निकाला जाएगा टैंक से कि पूरे टैंक की कैपेसिटी से पानी निकाल देंगे टैंक में तीस लीटर मान लो पानी था आर एक घंटे में एक लीटर पानी निकाल देता है या एक मिनट में एक लीटर पानी निकाल देता है तो 30 मिनट में टैंक को खाली कर देगा कौन आर क्योंकि तो इसमें भाग दे दूंगी तो इसका राइट आंसर माइनस का 30 मिनट आएगा चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पड़ेगा इंडिया हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 16 सभी लोग सॉल्व कीजिए प्यार से सीखिए मोहब्बत से सेशन को लाइक और शेयर कीजिए और चीजों को जानिए पढ़ते रहिए मुस्कुराते रहिए सारे तरीके हमारे किताब से हटकर होंगे यह भी याद रखिएगा जी हां और टाइम एंड वर्क पढ़ा चुका हूं इसका आप देखिए बढ़िया से क्वेश्चन नंबर सोलह पाइप ए और बी मिलकर एक टैंक को 16 घंटे में भर सकते हैं। एक एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 16 मिनट राइट right? जबकि पाइप सी अकेला पूरे टैंक को 24 घंटे में खाली कर सकता है सी कैन पड़ी द सेम टैंक इन 24 मिनट इसका पहला उद्देश्य एलसीएम 48 आया 16 से भाग दोगे तो इसकी कार क्षमता तीन आएगी चौबीस से भाग दोगे तो कार क्षमता दो वो भी माइनस की आएगी बोलो हां फिर कहता है और बी को दस घंटे के लिए एक साथ खोला गया एक घंटे में ये तीन लड्डू बनाते हैं दस घंटे में ये तीस लड्डू बना देंगे कितने लड्डू बना देंगे लड्डू बना देंगे। बोलो हाँ। फिर दोनों को बंद कर दिया गया फिर दोनों को बंद कर दिया गया चलो कोई बात नहीं फिर पाइप सी खोला गया सी द्वारा टैंक तो भैया फिर से सेम हो गया तो ये दो लड्डू तोड़ता है ये बनाता नहीं ये बनाने वाला नहीं ये बिगाड़ने वाला तो जो ये तीस लड्डू बने थे इन्हीं को बिगाड़ सकता है दूसरे से भाग दे दो तो पंद्रह घंटे में ये पूरा का पूरा टैंक को खाली कर देगा मुद्दा खत्म एक और क्वेश्चन एक प्यारा सा क्वेश्चन याद रहे अच्छा क्वेश्चन है इसमें आपको हल्का सा समय लगेगा टफ नहीं हल्का सा समय चीजों को बड़े विस्तार से मोहब्बत से सिखाएंगे सीखने वाला चाहिए कहता है पाइप ए और बी को खाली करने वाले पाइप एक टैंक को क्रमशः छह घंटे और सोलह घंटे में खाली करते हैं मतलब ए और बी खाली करने वाले बनाने वाले नहीं छह घंटे में और बी सोलह घंटे में खाली करते हैं क्वेश्चन की भाषा देखिए कहता है सी टैंक को भरने वाला है बहुत अच्छी बात है मतलब सी भरने वाला है बहुत अच्छी बात है तीनों पाइप एक साथ खोले गए अब तीनों खोले गए मतलब ए भी काम कर रहा था बी भी काम कर रहा था और सी ये सी भरने वाला है तो उन पाइपों को टैंक का पांच बटा अठारह भाग को खाली करने में अस्सी मिनट का समय लगता है मतलब टैंक भर नहीं रही पांच बटा अठारह पार्ट को इंपटी करने में 80 मिनट लगता है यह बोल रहा है ठीक है एक सेकंड मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेंगे पहले इतना समझो पांच बटा अठारह पार्ट को 80 मिनट में खाली करता है तो अगर मैं आपसे कहूं एक पार्ट को कितना क्योंकि एक पार्ट मतलब हंड्रेड परसेंट तो अस्सी मिनट ऐसे लिख दो अठारह का ऊपर गुणा हो जाएगा पांच का नीचे क्यों क्योंकि यहां पर पांच अठारह से भाग दोगे तो यहां भाग दोगे तो ऊपर नीचे हो जाएगा पहली बात अब ये मिनट में है घंटा में कर लो तो साठ से और भाग दे दो तो ये टैंक का कितने घंटे में ए बी सी द्वारा खाली हो जाएगा वो निकलेगा कैसे जीरो से जीरो काटा छह से तीन बार में गया यानी चौबीस बटा पांच घंटे में ए द्वारा यह टैंक खाली हो जाएगा प्यारे दोस्तों इसका एलसीएम ले लो कहीं ना कहीं इसका एलसीएम 48 आया 48 यूनिट इसका एलसीएम लिया दिख रहा है ना देखा जाए 48 में 6 से भाग दो तो माइनस का 8 आएगा अड़चंग 48। 16 से भाग दो तो 16 ते अड़तालीस माइनस का 3। 24 से भाग दो दो तो पांच का गुणा तो 10। यहां दिख रहा है माइनस का दस क्योंकि खाली ही हो रहा है तो देखा जाए ए ने आठ लड्डू तोड़े बी ने तीन लड्डू तोड़े पर यहां ही टूटे इसका मतलब सी ने एक लड्डू बनाया मतलब एक लीटर इसने पानी भरा और भरना कितना है अड़तालीस तो अड़तालीस बटा एक यानी अड़तालीस घंटा आंसर तो बड़े प्यार से ये क्वेश्चन सिखाया गया राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन फोर्टी एट आवर्स बहुत से लोगों को यह क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा बहुत से लोग फर्जी आंसर दे रहे क्यों कॉन्सेप्ट क्लियर करो चीजों को पढ़ो रात को नौ बजे भी पढ़ाऊंगा डेली क्लास अर्थमेटिक की रात को नौ बजे लाइव क्लास फ्री जबरदस्त बाइलिंग्वल हिंदी और इंग्लिश दोनों में ठीक है वहां आपको दोनों भाषाओं में क्वेश्चन मिलेगा ठीक है मजा आएगा रात को मिलेंगे पहले समझो क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं जल्दबाजी नहीं करते सुनो कहता है ए कैन इम्पटी आ टैंक इन सिक्स आवर ए किसी टैंकी को छह घंटे में खाली करता है बी कैन द सेम टैंक इन आवर बी सोलह घंटे में खाली करता है सी भरने वाला मतलब फिल करने वाला पाइप है और ए बी सी मिलकर पांच बटा आठ पार्ट अस्सी मिनट में खाली करते हैं पांच बटा आठ अस्सी मिनट में तो एक पार्ट मतलब हंड्रेड परसेंट तो पांच बटा आठ अठारह सॉरी पांच बट अठारह से यहां भाग दिया पांच अठारह तो उल्टा होगा पांच अठारह मिनट है तो साठ से भाग दो घंटा में कन्वर्ट तो चौबीस बटा पांच घंटे में एबीसी मिलकर पूरा का पूरा एक पार्ट को खाली कर देते हैं छ सोलह चौबीस बटा पांच कैल्सियम फोर्टी एट होगा बाकी आप समझ गए चौबीस से यहां दो पांच दुना दस माइनस दस अब यहां माइनस का दस है माइनस आठ माइनस तीन तो माइनस का ग्यारह तो एक ये प्लस का होगा क्योंकि सम ऑफ इज़ इक्वल टू माइनस टेन और सी एक लड्डू मान लो बनाता है या एक लीटर पानी भरता है एक घंटे में एक लीटर तो अड़तालीस लीटर अड़तालीस घंटे में तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा अब अंतिम बात को समझो प्यारे दोस्तों किसी भी एग्जाम को अगर आपको क्रैक करना है तो निरंतर आपको स्पीड टेस्ट लगानी चाहिए सबसे कम दामों में भारत वर्ष में स्पीड टेस्ट प्रोवाइड करता है टेस्ट बुक जो कि सारे एग्जाम को कवर करता है एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सिविल प्रोफेशनल स्किल इंश्योरेंस जो भी सारे एग्जाम को सब कुछ आपके सामने जब भी बाय करना पीए टेन का कोड है टेक्स्ट बुक में पीए टेन मतलब दस परसेंट ऑफ और याद रहे कि जब हम मैथ पढ़ते हैं तो सभी एग्जाम की तैयारी करो क्योंकि एग्जाम पंचवर्षीय योजनाओं के हैं भारत वर्ष में ऐसा माना जाता है कम से कम वीक में दो बार तो आप टेस्ट दो और सारे सब्जेक्ट पढ़ो और अपने आप को एनालाइज करो कि देखो कहां हमारे अंदर कमी है और उस पर ज्यादा फोकस करिए तो हमारा कोर्ट आपके सामने है पी ए टेन यानी दस परसेंट आपको ऑफ मिलेगा तेईस हजार प्लस मॉक प्लस तीन सौ सत्तर मतलब तीन सौ सत्तर अब जो भी था उसमें देख लेना बाकी प्रकाश सर टेस्ट बुक करके सर्च कर सकते हो प्यारे दोस्तों आपको एक और बात बता दें बहुत मोहब्बत वाली इस बात को भी सुन लेना अंतिम बात होगी बड़े प्यार से इस बात को भी सुनेगा इंडिया हमारे साथ सारी बातें अब अंत में हुआ करेंगी और मोहब्बत से बताया जाएगा प्यारे दोस्तों इस किताब को हम YouTube में रात को नौ बजे पढ़ा रहे हैं सारी लाइव क्लासेस फ्री रहेंगी और रिकॉर्डेड पेड रहेंगी तो रात को मिलिए रात को नौ बजे पढ़ेंगे आप देखिए कि कैसे हम पढ़ाते हैं चलिए तो धन्यवाद अभी के लिए फिर मिलेंगे और अच्छे से पढ़ाएंगे